जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब पे काफी सारा कमेंट आता है और इंस्टाग्राम पे काफी सारा मैसेज भी आता है और पहले भी आता था इसके ऊपर कि भाई इंडियन आर्मी भर्ती के लिए एक साल के लिए छूट देना चाहिए, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो भर्ती नहीं आया ना, जो उसके लिए हम लोगों का इंडियन आर्मी भर्ती के लिए हम लोगों को एक साल की छूट देना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पर कोई सपोर्ट नहीं किया मेरे को और आवाज जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक आवाज भी मेरा नहीं पहुंचा है, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो और अभी भी इसके बारे में अभी भी मैसेज आ रहा है, अभी भी कॉमेंट आ रहा है, तो मैं क्या करूं यार। मैं आवाज उठाता हूं पर कोई सपोर्ट नहीं करता, जहां तक आवाज पहुंचना चाहिए वहां तक आवाज पहुंचता भी नहीं है, तो क्या करूं मैं अब यार, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। और मेरे अगेंस्ट भी वीडियो बन चुका है, मैंने पहले जो अपलोड किया था वीडियो की एज के इंडियन आर्मी भर्ती के लिए एज के छूट देना चाहिए, तो इसके ऊपर मेरे अगेंस्ट में वीडियो बन चुका है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एज निकल गया तो क्या हो गया, अलग रास्ता ढूंढो, ये सपना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, पर यार कोई सपोर्ट नहीं करता इस चीज के ऊपर। मैंने दो बार वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो दो से तीन हजार तक व्यूज जाता है और वीडियो वहीं पे रुक जाता है, जहां तक आवाज को पहुंचना चाहिए वहां तक आवाज पहुंचता नहीं है और कोई फायदा भी नहीं। तो दोस्तों बस आप लोग तैयारी करो, मेहनत करो यार, जब तक जितना एज है तैयारी करो, और नहीं तो ठीक है की तैयारी करो, कुछ करने का है नहीं और हमारे आवाज कोई सुनने वाला नहीं और हमारे दुख दर्द कोई समझने वाला भी नहीं है। तो पर क्या करें, जितना जहां तक एज है वहां तक ट्राई करो और नहीं है तो टीए के लिए तैयारी करो। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आर्मी के जाने का सपना छोड़ दो, बस टीए की तैयारी करो, टीए में उम्र बहुत ज्यादा है, बस कभी हिम्मत मत खोना मेरा दोस्त, बहुत कुछ करना है आगे में, बहुत कुछ सीखना है। तो बस तैयारी करो, मेहनत करो, तैयारी कभी मत छोड़ना, ये मत सोचना कि मेरा एज निकल गया है और मैं वहीं पे रुक जाता हूँ, मेरा अलग रास्ता ढूंढ लेता हूँ। भाई सपना तुमने देखा है, फौज का सपना कैसे भी करके तुम्हें पूरा करना ही है, तुम टीए की तैयारी करो, टीए में भी तैयारी करके भी भर्ती दे सकते हो। जैसे लॉकडाउन कोरोना वायरस ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत सारे भर्ती आएगा, पैरामिलिट्री फोर्स का भी आएगा, SSGD का भी आएगा। पर कुछ लोगों का यही कहना है कि अगर हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया, साल भर मेहनत किया है और भर्ती पोस्टमैन हो गया है, तो इसके लिए अगर छूट मिल जाता तो अच्छी बात है, बस मेरा भी यही कहना था। पर क्या करें, कुछ सुनने वाला नहीं है और ऐसा कोई ये भी सुनने में आया, ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कभी भी, तो क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बस तैयारी करो, मेहनत करो और अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।